वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट, आई एम रिचा अतलक्खा एंड आज मैं आपके लिए फिर से 5 न्यू वर्ड्स लेकर आई हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड, स्केप्टिकल. स्केप्टिकल मतलब क्या? आपको कोई चीज को लेके बहुत डाउट है. सो बेसिकली इन वन वर्ड आई कैन से डाउटफुल, आई कैन ऑल्सो से फिशी. आपको कोई चीज को लेके बेसिकली डाउट है, तो आप मतलब इसका मतलब क्या हुआ? स्केप्टिकल. ओके, तो इट मींस व्हाट? डाउटफुल अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? डाउटफुल, डूबियस, वी कैन ऑल्सो से फिशी. ऑलराइट, उसका ऑपोजिट, उसका एंटोनिम क्या हो गया? समथिंग जो आप कोई भी चीज के ऊपर अगर आप बिलीव कर सकते हो, समथिंग विच इज सर्टन, दैट इज आपका ये स्केप्टिकल का आपका बेसिकली एंटोनिम हो गया. नेक्स्ट वर्ड, एब्सटेन. ये काफी बार आपने सुना होगा, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग और एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग. From smoking or drinking, whatever. Okay. So abstain means what? To hold oneself back. आप कोई चीज से आप abstain कर रहे हो, मतलब वो चीज अगर आप like वो particular thing आप नहीं कर रहे हो. Okay? आप वो पर्टिकुलर चीज या आप कोई पर्टिकुलर चीज आप अच्छे कंज्यूम नहीं कर रहे हो जानबूझ के. इट मींस क्या? आप वो पर्टिकुलर थिंग से आप बेसिकली एब्सटेन कर रहे हो. क्लियर? तो उसका सिनोनिम क्या हो गया? क्विट, आपका रिफ्रेन. ओके, इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? कोई चीज जो आप कंटिन्यू कर रहे हो या कोई चीज जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अलाउ कर रहे हो. नेक्स्ट वर्ड, ट्रांजिएंट. Transient मतलब क्या? Something which is basically temporary, something which exists for a very short period of time. उसको बोलते हैं transient. Alright? इसका meaning क्या हुआ? Lasting for a short period of time. इसका synonym क्या हो गया? Fleeting, transitory. We can also say something which is temporary. कोई चीज जो permanent नहीं है, something which is impermanent, something which is not permanent. Okay, उसका मतलब क्या हो गया? Transient. इसका opposite क्या हो गया? Something जो आपका last कर रहा है, something which is enduring, something which is lasting, or something which is permanent. Next word, ought. Now ought basically signifies duty. Now let me tell you one thing, ought to एक आपका मॉडल वर्ब है. इट्स अ मॉडल वर्ब. ओके, एंड ought to signifies what? It signifies moral duty, obligation, duty. Okay, so ought मतलब क्या? Duty. Okay, it is used to indicate duty. इसका आपका सिनोनिम क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट. ओके, इसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई चीज के लिए अगर आप जिम्मेदार नहीं हो, सो बेसिकली आप वो पर्टिकुलर थिंग के लिए आप लाइक इररिस्पॉन्सिबल हो. ओके, लास्ट वर्ड फॉर द डे, मार. ओके, MAR. मार मींस इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई चीज को डैमेज कर रहे हो, फिर आप कोई चीज को हार्म कर रहे हो. ओके, सो मार मतलब क्या? आप कोई चीज को डैमेज कर रहे हो या फिर हार्म कर रहे हो. ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? कोई चीज को हार्म करना, कोई चीज को इम्पेयर करना. क्लियर? इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अगर आप कोई चीज को, आपको इंसान को हार्म नहीं कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो गया? ऑब्वियसली आप कोई इंसान को हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, एड कर रहे हो. इट मींस दैट. ओके, सो ऐसे ही मैं आपके लिए 5 न्यू वर्ड्स डेली लेकर आऊंगी. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड टेक केयर.